हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनुचल ब्लॉग्स। और भाई आज की जो वीडियो है इतना तगड़ा, इतना जहरीला मैं प्रैंक करने वाला हूँ। अगर ये प्लान मेरा सक्सेसफुल हो गया ना, तुम लोग भी बोलोगे कि भाई रिवेंज रिवेंज करते रहते हो। लेकिन रिवेंज छोड़ो, बदला तो छोड़ो, पास तक ही आ पाती, बदले की आंचल चाहिए। हर बार इतना जहरीला प्रैंक कर देता हूँ मैं आंचल के पास, मतलब आंचल के साथ, आंचल के पास नहीं। और आज जो प्रैंक होने वाला है उसमें मेरा दोस्त शामिल है, ठीक है। लेकिन उसे अभी ये बात नहीं पता है, मतलब मैं इसको खोल करके बताऊंगा कि तुझे क्या क्या बोल रहा है तुम लोगों के सामने अभी, ठीक है। और ये जो प्रैंक होगा ये गाड़ी में होगा, तो गाड़ी में चलते हैं। अभी तक का सबसे कूल ये प्रैंक होने वाला है जो मेरे को लगता है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो भाई जल्दी चलता है, लेट नहीं करते, क्योंकि आंचल गई है अपने घर पे और मुझे उसको लेने जाना है। और प्रैंक जो होगा मैं अपने दोस्त को फोन करके बोलूंगा कि आंचल को बोल के अनु के एक लड़की के साथ घूम रहा है, मुझे लगा तुम हो ना, तो तुम फोन उठा रही ना अनु फोन उठा रहा, तो भाई ये थोड़ा कूल हो जाएगा। तो एक काम करते पहले गाड़ी में चलते हैं, तब देखते हैं सक्सेसफुल हो पाता है या आजल हर बार की तरह से पानी फेर देगी ही। चलो भाई। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी करने वाला हूँ यहाँ पे पोरुष को फोन, और बहुत ही जहरीला ये प्रैंक होने वाला है अगर ये सक्सेसफुल होता है तो। कैमरा मैंने कुछ अजीब सी जगह सेट कर दिया है, मेरे को खुद व्यू नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद से ही कॉल कर लेता हूँ, यार दिक्कत ये हो रही है कैमरा ना मैं अकेला पकड़ रहा हूँ, तो कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, तो मेरे को खुद से ही काम करना पड़ रहा है। तो मैं भी कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे पोरुष को और चेक कर लेता हूँ एक बारी के भाई उठाया गया नहीं, वरना भाई उसके हाथ मैं पूरा प्लान ना, अगर कॉल उठ गई तो ठीक है यार, देखते हैं। The person you have called is speaking to someone. यार इसका हमेशा का ये रहता है बिजी। हेलो भाई, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, सुन। हेलो, अरे आंचल को ना फोन कर एक बारी, कहाँ घुस रहा है? हाँ, इतनी गंदी आवाज आ रही है तेरी, क्या कर रहा है? अरे घर आ रही है, बहुत गंदी आ रही है, कट रही है आवाज। बोल अब बोल। सुन आंचल को है ना, एक काम कर, कॉल कर, और कॉल करके ये बोल के क्या कहते हैं, मुझे के अन्नू फोन नहीं उठा रहा ना, तुम उठा रही, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों गाड़ी में। अगर वो आंचल बोलेगी ना कि मैं अन्नू के साथ गाड़ी में नहीं हूँ, तो बोलियो के अभी एक्सटेंशन पे घूम रहा है वो लड़की को लेके, मुझे लगा तुम हो, फोन ही उठा रहे कोई भी, और कॉन्फ्रेंस पे लेके बोलियो, मुझे आवाज आनी चाहिए। मैं ना वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्रैंक बना रहा हूँ, पागल बनाऊंगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पहले मैं म्यूट कर रहा हूँ साइड से। ओके ओके, तो भाई ये लगा दिया यहाँ पे मैंने म्यूट, और इसका नाम मैंने बैड ऐसा रखा हुआ है। यार कैमरा है ना पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, अकेला पकड़ना पड़ रहा है ना यार, दिक्कत ये है। अगर ये यहाँ पे होता पुरुष तो काम होता था, क्योंकि अभी मैंने एडजस्ट करके देख रहा था, वहाँ भी चिपकाया मैंने तो व्यू नहीं आया, यहाँ भी चिपकाया तो व्यू नहीं आया। फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ आप देख लो, इतने कॉल कर, यहाँ घोड़े घूम रहे हैं, यहाँ पीछे क्रिकेट का मैच चल रहा है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? हेलो, मैं कहाँ हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ पुरुष, हाय। ना वो उठा रहा, ना अनु फोन उठा रहा, ना तुम फोन उठा रहे। अनु फोन नहीं उठा रहा क्यों? अरे तुम गाड़ी में तो घूम रहे तुम दोनों अभी, अनु की और मैंने अभी फोन किया, तुम फोन उठा रहे ना वो फोन उठा रहा। गाड़ी में मैं तो अपने घर हूँ। हाँ बस टेंशन में ही तो घूम रहा था मैं, अभी उसकी हैरियर देखी मैंने। अन्नू की हैरियर तुमने कहा देखी? अन्नू तो घर पे होगा अभी, कहाँ हैरियर देखी उसकी? अरे यार अभी तो देखी है मैंने यहाँ पे, यार ये वीवीआईपी से निकला था, वीवीआईपी वाले रोड से निकला था, फुटबॉल खेलने जा रहा था, तो अभी हैरियर देखी तब मैंने तुम्हें फोन किया, तुम बैठे हो तो वैसे आगे। कहाँ कहाँ देखी यार? मैं अपने घर पे हूँ, मुझे लेने आया वो भी 7:30 बजे, अभी कहाँ देख ली तुमने हैरियर? अभी किसके साथ घूम रहे थे? मैंने म्यूट लगा। मत करो, मैं सही नहीं। अरे नाटक नहीं, सच में यार मैं अभी, अरे मेरे 5:30 बजे मैच है, मैं एक्सटेंशन यहाँ रखा हूँ। कहाँ देखा एक्सटेंशन में? वीवीआईपी वाला तो दूसरा वाला कट में, एक तो वीवीआईपी है मेरे की तरफ से जाते हैं, फोर्टी तरफ की तरफ से, और एक मार्ग की तरफ से जाते हैं, तो वहाँ पे वीडियो स्टोर पड़ता है जो लेफ्ट हैंड पे, मैं तो अकेले ही तो देखा होगा, फिर वो क्या पता जल्दी। अरे नहीं यार लड़की बैठी थी आगे, तभी तो फोन करा था, घूमे ना टेंशन में, उनको डर नहीं है मेरा, यहीं पे हूँ। तुम्हारा मजाक से अलग यार, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, तुम मुझे लगा तुम ही बैठे हो, कभी तो उसका फोन लग नहीं रहा था, कोई दोस्त वोस्त के साथ होगा, उसकी बहन बहन होगी, कोई दूसरी बना रखी हो सकता है। अपना फोन करेंगे, मेरे पास फोन आने वाला है।
भाई आज तो पिटता दिखे कॉल पे कॉल आ रही है और मैंने जान पूछ के आज कोई भी फोन नहीं उठाया मैं, क्योंकि मुझे पता था वो गुस्से में आएगी जरूर। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो रोड पे आ जाए घर से निकल के। कॉल पे कॉल आ रही है आंचल की और मैं एक भी नहीं उठा रहा जान पूछ के, क्योंकि अब मेरे को उसकी लोकेशन पे आना था। एक ऐसी लोकेशन पे उसके यहाँ पे उसी का एरिया आंचल का एरिया है, एक्सटेंशन में वो रहती है, एक्सटेंशन में पुरुष ने बता दिया है। तो मैं यहाँ पे फाइनली आ चुका हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भाई ये पूरा एरिया है ठीक है। और कॉल पे कॉल आ रही है, मैं जान पूछ के कट कर दे रहा हूँ ताकि भाई वो गुस्से में जिस जगह पुरुष ने बोला है ना मैंने गाड़ी वहीं खड़ी कर रखी है ताकि वो आ जाए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यार, अब कॉल आएगा अब वो सुनाएगी ठीक है, वो तो मैं देख लूंगा कोई बात नहीं, आप सबके सामने ही रिकॉर्ड हो जाएगी बात। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार कोई लड़की हो ठीक है, मेरी कोई दोस्त, उसको भी प्लान में शामिल कर लूँ। और जैसे आंचल आए ना जान पूछ के कॉल इस पर डाल के गाड़ी के ब्लूटूथ पर डाल के शीशा खोल दूँ और वो मेरे से बोले कि यार क्या हो गया तुम्हारी वाइफ डिस्टर्ब कर रही है क्या, भाई साहब मजे आ जाएंगे अगर ये हुआ। अब देखता हूँ यार कोई लड़की रही नहीं शादी के बाद मेरी दोस्त। बाकी एक फ्रेंड है मेरी आयुषी, उसको अच्छी खासी यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर है, उसके मिलियंस में मतलब व्यूज आते हैं। आयुषी आपने सुना भी होगा वीडियोस में, अभी चेक करता हूँ अगर वो फोन उठाएगी तो भाई उठा लेगी, ऐसे दोस्त है मेरी, उससे हेल्प लेता हूँ अगर वो करेगी तो देख। हेलो आयुषी बोल, कहाँ है, फ्री है क्या? अरे यार मैंने शूट पर हूं। अरे यार मेरे को तेरी एक हेल्प चाहिए थी, एक सेकंड के लिए, मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं है, पांच मिनट में अगर मैं तेरे को कॉल करूँ ना तो बस तुझे ये बोलना है कि क्या वाइफ आ गई क्या तुम्हारी, फिर मैं तेरे को पूरा सीन बताऊंगा, आराम से सुन दे। अब आ रही है बोल। मैं कह रहा हूँ मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए, अगर तू फ्री होगी तो मैं तेरे को पांच मिनट बाद कॉल करूंगा और तुझे खाली ये बोलना है कि यार बार बार तुम्हारी वाइफ क्यों आ जाती है ठीक है बस। गाड़ी में पड़ा हूँ यार जल्दी कर। ठीक है। भाई यार ये तो शूट कर रही है, बड़े यूट्यूबर बड़े चौंसले। चलो एक काम करते हैं, दूसरी फ्रेंड को कॉल करते हैं। भाई ये भी खेगी साला, वैसे तो फोन वोन करता नहीं है, काम पे काम पड़ा तो फोन करा यार। उसका नंबर है मेरे पास, एक सेकेंड नंबर तो मेरे पास है, चेक कर लेता हूँ। अरे यार क्या था यार, मेरे नंबर सारे उड़ गए यार, दिक्कत ये हो गई ना मेरे से सारे नंबर खो गए। ओके तो उसके लास्ट में है 17। ठीक है चलो भाई 17 है लास्ट में। ओके ट्राई करते हैं, ये हाँ यही है, देखते हैं भाई अब ये उठाएगी नहीं। शादी के बाद यार लड़के में फैन फॉलोइंग कम हो गई है। हेलो हेलो हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया हाल है यार, सुनाओ। मैं ठीक हूँ, सुन मेरी एक हेल्प करेगी? हाँ बोल। मैं तेरे को ना कॉल करूंगा पांच मिनट में और तुझे खाली ये बोलना है जब मैं कॉल करूँ उठा लियो कि यार ये तुम्हारी वाइफ को क्या दिक्कत है बार बार आ जाती है ठीक है। क्या बोल रहे कि यार तुम्हारी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है बार बार आके डिस्टर्ब कर रही है। मैंने एक प्रैंक कर रहा हूँ आंचल पे और मैं तेरे को भी इसमें ले रहा हूँ अभी, तो मैं तेरे को कॉल करूंगा ठीक है। अच्छा तो ठीक है बस इतना बोलना है, बाकी तो धमाल मचा दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है ओके थैंक यू यार, हो गया काम फाइनली, दोस्त काम आ जाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। लड़की मतलब लड़कियों वाले दोस्त क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस। तो सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है और साला कैमरा वो हो रहा है बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले रहा है। तो इससे पहले आज चला यार कहाँ, मतलब चलो मैं हाथ में पकड़ लूँगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे शायद ठीक आ जाए कैमरे से पूरी लोकेशन इधर की। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ आंचल के फ़ोन का, मुझे लग रहा है पता नहीं करेगी भी या नहीं। भाई ये मरेगी 100 साल बाद इसका फ़ोन आ गया। हाँ चल हेलो, अरे फिर कट गया मेरे से। हेलो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तुम इतने देर से बस कॉल कर रहे हो फोन नहीं उठा रहे हो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही। अब मैं यहीं हूँ, बताओ यहीं कहाँ, उल्टा पूछ रही हूँ यहीं कहाँ हो? घर था अभी तो निकला हूँ घर से, यहाँ एक्सटेंशन में आया था तुम्हें लेने। घर हो तुम अभी? तो हाँ हाँ अभी घर से निकला हूँ मतलब। अरे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मतलब अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और एक्सटेंशन में पहुँच गया हूँ ये बोल रहा हूँ। घर से निकले हुए हो तो पुरुष ने तुम्हारे भूत को देखा अभी हैरियर में ना, थोड़ी देर पहले तुम्हारे भूत को देखा है। किसने देखा? पुरुष ने हाँ। मतलब मैं तो घर था तब, पागल हो गया, मुझे क्या पता कब फोन आया, मैं आप एक्सटेंशन में पहुंच जाऊं।
एक्सटेंशन में उसने तुम्हारे भूत को देखा है ना? तो मैं तो पोच एक्सटेंशन में भी हुआ, चल अभी जस्ट अभी अभी आया हूँ, अभी देखा होगा भूत को मेरे। क्या आधे घंटा हो चुका है उसको, आधे घंटा हो चुका है। अच्छा आधा घंटा हो गया पुरुष को, आधे घंटे के मैं उसमें थके, मेरे बेडरूम में थके पुरुष आधे घंटे पहले। मुझे क्या पता कहाँ से कहाँ लिखे, मुझे क्या पता। अरे मैं एक्सटेंशन में आया हूँ और अभी अभी आया हूँ, और क्या कहते हैं यहीं हूँ मैं वीवीआईपी के इधर। क्या क्या पूछते, अगर देखा भी होगा तो क्या हो गया? मैं गाड़ी में दोस्त देख रहा, तो क्या बात है? मैं अकेले नहीं देखा ना उसने। अच्छा तो अनजीत के साथ हो क्या? मैं तो घर पे हूँ। अरे मजे ले रहा होगा, ऐसी पागल हो क्या? चलो चलो कोई नहीं, मजे ले रहा है ना वो, ठीक है चलो मैं देखती हूँ। तो मजे उसके उसके हो जाए, तुम्हारे भी दोनों के देखते हैं, रुक जाओ। ठीक है देख लेना। ठीक ठीक भाई, ये तो भड़क गई, कह रही है देख लेना अब उसके घर जाते हुए डर लग रहा है, कभी ऊपर से कुछ फेंक के मार दे यार। कैसे फोन आ गया? हाँ भाई हेलो यार, एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आती, क्या कह रही हो, क्यों परेशान कर रही हो मेरे को बार बार कॉल करके? हाँ मुझे पुरुष ने बताया ना, मैं वहीं आके चेक करती हूँ तुम हो या नहीं है। क्या जहाँ मुझे बताया ना पुरुष ने, एक बार वहीं आके देख लेती हूँ। हाँ तो आ जाओ, मैं क्या मिलूंगा तुम्हें वहाँ पे? ठीक है ठीक है, मुझे क्या पता कहाँ बताया उसने, तो मैं लग रहा है छोड़ के आके चेक कर लूंगी, तुम जानते हो मेरे को अच्छे से। हाँ तो आ जाओ, ठीक है आ जाओ जाओ। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है, बता लो जाओ। ठीक ठीक भाई, मैं जानबूझ की गाड़ी, मैंने जानबूझ के खड़ी कर रखी है, देखता हूँ आएगी या नहीं। वैसे पूरी है भाई, पक्का आ जाएगी, पक्का मुझे उसका पता है आ जाएगी। और मैं ट्राई करता हूँ अब कि कैमरा कहीं छुपा दूँ, लेकिन यार छुपाऊँ क्या, बाद में तो उसको बताना ही है प्रैंक के, तो हाथ में लिख लेता हूँ क्या छुपाना क्या इसमें, यहाँ से ऐसे करके दिखाता हूँ। ठीक है चलो देखता हूँ कितनी देर में आने वाली है। मैंने गाड़ी घुमा के इधर लगा दी है उस साइड से, क्योंकि इधर धूप नहीं आ रही थी, इधर हल्की सी धूप आ रही है। फक आ गई भैंस, क्या जल्दी फोन करो, आ गई है सामने से, दिख गई मेरे को, उठा डेजी, फोन उठा फोन उठा फोन उठा, गाइस आ रही है सामने से, एसी बंद कर देता हूँ, वो आ रही, दिख गई मेरे को, दिख गई 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 दिख गई, फोन उठा जल्दी। हेलो सुन एक सेकंड रुक जा, आ चल आ रही है, ठीक है जब मैं बोलूं जब स्टार्ट कर दियो, मैं गाड़ी में हूं अभी। ठीक है तू तो सो रही है? नहीं नहीं जाग रही हूं। हां भाई स्टार्ट कर दे, क्या हाल है? क्या प्रॉब्लम है यार, मोबाइल भाई बार बार आ जाते हैं। क्या देख रहे हो, व्लॉग बना रहे हो? व्लॉग बना रहा हूं मैं तो तुम्हारा। किससे बात कर रहे हो? चल मैं तेरे से अभी बात करता हूं, ठीक है? मैं अभी बात करो ना, कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू कर लो ना। क्या हो गया? अरे पागल मेरा दोस्त था, मैं वो कर रहा हूं ब्लॉग बना रहा हूं। कॉल क्यों काट दी? ब्लॉग बना, तुम यहां क्यों आ गई? अच्छा गाड़ी में बैठो, स्कूटी लगा के आई थी कि पुरुष झूठ बोल रहा है। कौन है मेरे साथ? कोई भी नहीं है। कौन बैठा था गाड़ी में? उसी बिठा रहा हूं। अरे चिल्ला क्यों रही हो, रोड पे दुनिया घूम रही है, चल यहां बैठ जाओ ना एक बार। मैं तो पिकता नजर आ रहा हूं और पागल हूं, यहां से क्या करूं मैं इसकी आंख। ओ भाई आ गई है तो एसी चलाओ भाई, पहले गर्म हो रही होगी। फक क्या कर रहे हो तुम? मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तुम तो 7 बजे आने वाले थे ना? तो व्लॉग बना रहा हूँ ना मैं। ओहो भाई सीट वीट पूरी पीछे लटा बिटा के क्या हो रहा था गाड़ी में? पागल हो क्या यार, क्या बात कर रही हो? क्या करके रहे हो? तो गाइस आ चल आ चुकी है और मैं अब बनाऊंगी जो पुरुष ने बोला ना कॉल। पागल है क्या वो? गाइस जैसा कि आजकल आते तुम यहाँ यार, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं तब से व्लॉग बना रहा था सीरियसली। बात किससे कर रहे थे? फोन क्यों काटा मेरे आते? मेरे दोस्त का फोन आया था, कहते तो फोन मेरे आते ही काटा। अरे उसका फोन आया था, वो मेरे से पूछी थी कि आईफोन का जो चार्जर है दूसरा कहाँ से मिलेगा, वो खराब हो गया उसका। फोन मेरे आते ही काटा क्यों? अरे तुम आ गई ना सर से गर्मी में, फिर इस व्लॉग को पहले बंद करो, मुझे बताओ किस बात कर रहे थे। मैं कंप्लीट कर लूंगा व्लॉग। गाइस तो जैसा कि मैंने आपको पूरा एक्सटेंशन उस साइड से दिखाया है और बहुत सारी चीजें आपको, और एक्सटेंशन के साथ गाइस कुछ और भी दिखाया होगा। आंचल भी यहाँ पे आ चुकी है। और आंचल क्या यार तुम क्यों व्लॉग का नाश कर रही हो? मेरे को फोन दिखा, अरे दिखाओ तो यार, समझा करो बदतमीजी। अरे रुको तो रुक जाओ ना, मैं बोल रही हूँ ना रुक जाओ। क्या रुक जाओ? ऑफिस चल रहा है मेरे को, इरिटेट मत करो। तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, वरना मैं कभी ऐसे नहीं करती हूँ, मुझे ट्रस्ट रहता है पूरा। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे फिर भी, कह रहे हो अभी घर से निकला हूँ, तुम्हें कितने घंटे? यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज, तुम पागल हो क्या यार? तब से एक घंटे से व्लॉग बना रहा हूँ, तुम आगे नाश कर दे पूरे व्लॉग का, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारा भी कर दूंगी वो बेवकूफ, करना फोन इसे साले को एक बारी, करना पता कितने घंटे पहले फोन। हाँ करना, पागल बना रहा है, मतलब कोई भी फोन करेगा तुम मेरे, तुम तो चढ़ जाओगी चक्कू लेके। तो क्योंकि तुम मिले हो मुझे यहाँ पे, क्यों लेने नहीं आ रहा क्या मैं तुम्हें? हद है यार, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से कौन सा रास्ता है? मैं व्लॉग बना रहा था यहाँ पे, इतने में एक दोस्त का फोन आ गया। भाई मेरी बात से आते हो ना हमेशा पीछे वाली रोड से? अरे भैया मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा था, खाली रोड थी इस वजह से। अब मुझे क्या पता तुम एकदम से आ जाओगे यहाँ पे व्लॉग बना रहा था।
हद है यार, तो मेरी गलती नहीं है फोन नहीं उठा था मेरे, मतलब तुम किसी का भी भरोसा कर लोगी अब, ऐसे थोड़ी होता है। मेरा आते फोन क्यों काटा था जब अगर मैंने व्लॉग किया हुआ है, मैं इसको ऐसे एडिट कर दूंगा। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे मुझे ये बताओ बस। तो तुम गर्मी में यहाँ से पहले ये बताओ स्कूटी चला गया, मैं तो किसी और काम से जा रही थी तो तुम दिख गए मुझे अचानक से, अब बोलो ये पैतरे मेरे में मत आजमाओ। पैतरे तुम आजमाओगे तो मैं भी आजमाऊंगी पैतरे, मुझे बताओ क्या कर रहे थे यहाँ पे। अरे मैं प्रैंक बना रहा था मम्मी का, पुरुष को फोन करो लिटरली। हाउ फनी सीरियसली, अभी देखना जरा खोल के इधर देखो, तुम्हें बहुत फनी लग रहा है ये देखो, ये अभी मेरे ऑफिस से मेरे को अर्जेंट कुछ मिला था करने के लिए काम यार, और तुम मेरे को यहाँ पे बेवकूफों की तरह यहाँ पे घुमवा रहे हो और कह रहे हो मैं कुछ प्रैंक बना रहा था, बहुत फनी प्रैंक था ना ये। अब गाइस मैंने जानबूझ के अभी जल्दी वो कर दिया कि यार मेरे पे चढ़ रही है, मेरे को गर्मी भी काफी लग रही है और अब मैं काफी लेट भी हो रहा हूँ लोगों के पास डाले में, बहुत देर से प्रैंक बना रहा था। पहले मैंने पुरुष को फोन किया कि उसको बोल के मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ किसी, ये लड़की कौन थी कॉल पे, फ्रेंड थी यार, अरे डेजी थी, मैंने उसको कॉल करा, पहले मैंने आयुषी को कह रहा था, पहले मैंने आयुषी को कह रहा था, शकुनी तो वो नहीं है, शकुनी तो ये षड्यंत्र रच रहा है मेरे पीछे, पहले मैंने आयुषी को, कितने बजे उठे थे सो के जो इतना षड्यंत्र तुमने रच लिया, पुरुष भी और आदमी को जो आइडियाज आते हैं ना भाई वो आते हैं वॉशरूम में, तो जब मैं उठ के वॉशरूम में था ना, मैंने कहा अरे काम करना है व्लॉग व्लॉग रोज के, हेलो गाइस आज मैं आंचल को लेने जा रहा हूँ, आज मैं करने जा रहा हूँ, आज आंचल के साथ एक ऐसा प्रैंक कर देता हूँ मजे वाला। अब मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कह रहा था आयुषी को फोन पहले, तो वो शूट पे थी, मैं कहा चल तो ठीक है मेरे को तेरी एक हेल्प चाहिए थी, वो कह रही थी मैं थोड़ा देर में करती हूँ, मैं कहा काम कर फोन काट दे क्योंकि देर में इतना टाइम नहीं है ना अपने पास। फिर मैंने डेजी को करा, तो भाई डेजी ने बोला ठीक है मैं कर दूंगी, और भाई इसने मेरे लिए बताओ मैं खाली तुम्हें देखने नहीं आई थी यहाँ पे, तो तुम्हें तो मैं देख लेती घर आके, कहाँ जाते तुम मेरे हाथों से, कहाँ जाते वो तो मैं मम्मी कह रही थी कि अन्नू आने वाला है तो आएगा 7 बजे तक, तो उसके लिए कह रहे थे पापा की समोसे या पेटीज कुछ मैं वो लेने आई थी भाई। तो फाइनली प्रैंक खत्म हो चुका है, इसकी शक्ल देख लो कैसी हो चुकी है, और भाई प्रैंक के साथ मेरे को समोसे खाने को भी मिलने वाले हैं। कैमरा यार प्लीज यार इसको आराम से करना, मेरी जान है कैमरा। गाइज लिटरली इस बंदे को ना इतनी अकल नहीं है, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है इसको कि मेरा ऑफिस चल रहा है, और मतलब इतना तो बंदा सोच सकता है कि भाई किसी का ऑफिस चल रहा है वो काम कर रही है घर, मतलब घर पे ऑफिस का काम कर रही है, और लिटरली मतलब हालांकि मैं सिर्फ इसको देखने नहीं आई थी, ऐसा तो मैं नहीं भी आती, मुझे कहां ही मिलता है ये रोड पे, ये जान पूछ के खड़ा इस जगह था कि अगर मैं घर से निकलूंगी, मतलब मैंने बोला ना कि मैं घर से आ रही हूँ आ रही हूँ, उसको लगा पहली बार उसको लग रहा होगा कि आएगी या नहीं आएगी, तो ये खड़ा ऐसी जगह है अगर आप देखोगे ना तो मतलब लिटरली मैं इस तक पहुंची भी नहीं हूँ, जहाँ पे मुझे पुरुष ने बोला था उस जगह तक तो मैं पहुंची ही नहीं हूँ, क्योंकि ये घर से निकलते ही खड़ा था कि अगर मैं इधर निकल के इधर जाऊँ तो मुझे दिख ही जाएगा, मतलब लिटरली यार हद है बंदे की। भाई सुन इसको बता दे मैं झूठ बोला था ना देर से, प्रैंक कर रहा था ना, नहीं सच में घूम रहा था साले, झूठ क्यों बोल रहा है, बहन तो बढ़ा रहा है तू, तो तुमने प्रैंक बोल दिया बहन जी, तुमने यूट्यूब पे तो तुम प्रैंक का बहाना दे रहे हो, अब तू पागल पागल है क्या, सही बता दो अभी, अरे मां कसम कभी तुम्हें लगाओ कि लास्ट में प्रैंक कर रहा है, सुन मैंने इसको बता दिया है क्या, पागल है चल फोन काट साले, तू तो बड़ा पागल आदमी है पागल है साला, पागल बना रहा भाई, देखो ये हनुमान जी इनकी कसम खा के कह रहा हूँ मैं प्रैंक कर रहा था, और सारी बात इसमें मैंने रिकॉर्ड करी इसमें देख लेना तू, मैं क्या सफाई दे रहा हूँ, ये साला हरामी है, तुम मिलोगे बड़ा हरामी है, यार तुम अपने घर जाओ मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ, चलो गाइस अभी करते हैं एंड करते हैं, बहुत लेट हो रहा है, प्रैंक व्लॉग मेरा ऑफिस का सारा काम पेंडिंग है, बाय बाय, आराम से चला लो सो, ए फास्ट एंड कैसे भागी जा रही है गाइस देख लो।